दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम हिंदुस्तान के दो सबसे मशहूर शासकों के बीच कंपैरिजन करेंगे जिनमें एक और सुल्तान हिंद औरंगजेब आलमगीर रहेंगे तो वहीं दूसरी ओर मराठा सल्तनत की शुरुआत करने वाले छत्रपति शिवाजी। ये दोनों शासक एक ही समय में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं। दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये दोनों कौन थे। दोस्तों औरंगजेब आलमगीर ग्रेट मुगल एम्पायर के छठे और सबसे ताकतवर बादशाह थे। इन्होंने मुगल एम्पायर पर करीब 49 सालों तक लगातार शासन किया था। वहीं दूसरी ओर छत्रपति शिवाजी आदिलशाही सल्तनत में मिलिट्री कमांडर रहे शाहजी के बेटे थे व आगे चलकर इन्होंने ही मराठा सल्तनत की शुरुआत की थी। औरंगजेब आलमगीर 3 नवंबर 1618 ईस्वी में गुजरात के दाहोद शहर में पैदा हुए थे। वहीं शिवाजी औरंगजेब से ठीक 12 साल बाद 19 फरवरी 1630 ईस्वी में शिवनेरी किले में पैदा हुए थे। औरंगजेब का असल नाम मुहियुद्दीन मोहम्मद था और बाद में इनकी बहादुरी को देख कर अवाम ने इन्हें आलमगीर का टाइटल दिया जिसका मतलब पूरी दुनिया पर राज करने वाला होता है और तभी से इनका नाम औरंगजेब आलमगीर पड़ गया। वहीं शिवाजी का असल नाम शिवाजी भोंसले था वह आगे चलकर ये छत्रपति शिवाजी के नाम से जाने गए। औरंगजेब आलमगीर को सिर्फ 16 साल की उम्र में दक्कन का सूबेदार बना दिया गया व उसी समय औरंगजेब ने खड़की की ओर रुख किया और वहां का नाम औरंगाबाद कर दिया। वहीं दूसरी ओर शिवाजी ने अपनी पहली जंग सन 1659 ईस्वी में लड़ी थी जो कि इतिहास में बैटल ऑफ प्रतापगढ़ के नाम से मशहूर है। इस जंग में शिवाजी की जीत हुई थी वह उन्होंने प्रतापगढ़ के कई इलाकों पर भी कब्जा कर लिया था। दोस्तों अब हम बात करते हैं इनकी सेना और हथियारों के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि औरंगजेब मुगल सल्तनत के सबसे ताकतवर बादशाह थे इस हिसाब से उनकी सेना भी शिवाजी से कई गुना बड़ी थी। औरंगजेब की सेना में 5,80,000 सैनिक थे वह हथियारों के मामले में भी उस समय मुगल सल्तनत दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में गिनी जाती थी। वहीं अगर शिवाजी की सेना के बारे में बात की जाए तो उनके पास करीब 1,00,000 सैनिक थे वह हथियारों के मामले में भी शिवाजी औरंगजेब से कई गुना पीछे थे। मराठे मुगल सेना को डायरेक्ट हरा नहीं पाते थे तो इसी वजह से वह छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर मुगल सेना के पीठ पीछे हमला करते थे। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सल्तनत पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैली हुई थी व इनके शासनकाल के दौरान हिंदुस्तान दुनिया की आर्थिक शक्ति हुआ करता था। वहीं दूसरी ओर शिवाजी के समय मराठा सल्तनत महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर ही कायम थी व जब मुगल सल्तनत के सेनापति जयसिंह प्रथम ने पुरंदर के किले की घेराबंदी की तो शिवाजी को मजबूरन मुगलों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के बाद मराठों को अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े व शिवाजी और उनके बेटे संभाजी को औरंगजेब के सामने पेश होना पड़ा। औरंगजेब आलमगीर ने अपना ज्यादा फोकस दक्षिण भारत को जीतने में लगाया था और वो इस काम में कामयाब भी हुए थे। उन्होंने मुगल सल्तनत को दक्षिण में तमिलनाडु तक फैला दिया था। वहीं दूसरी ओर शिवाजी ने औरंगजेब के खिलाफ दक्षिण में मराठा सल्तनत कायम की तो मुगलों के खिलाफ कई युद्ध भी लड़े। शुरुआत में मराठा सल्तनत ज्यादा नहीं फैल सकी क्योंकि हिंदुस्तान की कमान औरंगजेब जैसे ताकतवर बादशाह के हाथ में थी। शिवाजी सिर्फ 50 साल की उम्र में ही इस दुनिया से रुखसत हो गए व औरंगजेब को हराने का उनका ख्वाब ख्वाब ही रह गया। औरंगजेब ने शिवाजी की मौत के करीब 27 साल बाद तक हिंदुस्तान पर शासन किया व सन 1707 ईस्वी में इस अजीम बादशाह ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको इन दोनों शासकों में से किसका किरदार ज़्यादा पसंद आया हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।